गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह पे सुरक्षित हैं। तो आज हम कर रहे हैं हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक जिसका नाम है विलोम सब। ठीक है, इनको हम एंटोनियम्स या अपोजिट वर्ड इंग्लिश में कहते हैं। तो हम अगर बात करें विलोम सब, कई बार जो बच्चे हैं वो जब हम लिंग बदलते हैं और अपोजिट वर्ड से लेके विलोम सब करते हैं उसके अंदर कुछ समझ नहीं आता। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारे जेंडर होते हैं यानी कि लिंग पुलिंग हम चेंज करते हैं तो वो सिर्फ हम रिलेशन चेंज करते हैं कि वो किस कैटेगरी से है, स्त्री कैटेगरी से है या पुरुष कैटेगरी से है। ठीक है, अगर हम उनको डिफाइन करते हैं तब तो कहलाते हैं हमारे लिंग। ठीक है, अगर हम वस्तुओं को या उनको बदल रहे हैं तो वो होता है हमारा अपोजिट यानी कि विलोम सब। ठीक है, जिस तरह आना जाना, ठीक है, या सत्य झूठ, इस प्रकार अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें विपरीत अर्थ वाले शब्द यानी कि जिन शब्दों का मतलब उल्टा होता है यानी कि जो उल्टा अर्थ स्पष्ट करे उन्हें हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है अच्छा। अच्छा इसका अगर अपोजिट करें तो क्या होगा, जैसे वह अच्छा है और अगर इसका अपोजिट कर दें तो उसका क्या हो जाएगा, वह बुरा है। तो अच्छा शब्द का जो अपोजिट बनता है वो क्या बनता है, बुरा। इसी प्रकार अगर हम अंधकार, अंधकार का मतलब क्या है यार, प्रकाश, वेरी गुड। उसके बाद आय, आय का मतलब होता है कि हमारे पास क्या आमदनी है और उसका अपोजिट क्या बनेगा कि हम खर्च क्या कर रहे हैं, दे क्या रहे हैं, वो है व्यय, कि उसके ऊपर कितना खर्च हो रहा है। आरंभ, जैसे कोई भी चीज का आरंभ यानी कि स्टार्टिंग और उसका क्या होगा फिर उल्टा अंत। उच्च मतलब हाई और निम्न उसका विलोम शब्द बन जाएगा उच्च निम्न। ठीक है, हाई लो। उचित, उचित का जो अपोजिट है वो क्या बनेगा, अनुचित, और उतार का बन जाएगा हमारा चढ़ाव। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गए। आगे है जो आगे है हमारा शब्द उत्तीर्ण। उत्तीर्ण मतलब पास होना, जैसे सफल होना। ठीक है, और अनुत्तीर्ण फेल हो जाना। ठीक है, तो उत्तीर्ण शब्द का जो अपोजिट बनेगा वो क्या बनेगा, अनुत्तीर्ण। उदय, जैसे सूर्य उदय होता है और उसके बाद अस्त होता है, तो उदय अस्त। उपकार, अपकार। कठिन, सरल। कठिन, कोई काम इजी है तो उसका क्या होगा, कोई काम कठिन है तो कठिन का जो कठिन का सरल, कोई काम इजी है कोई काम हार्ड है। ठीक है, कृतज्ञ, कृतघ्न। क्रय, विक्रय। खरीदना और बेचना, तो ये इसके क्या है हमारे, ये शब्द है और ये इसके विपरीत शब्द है। ठीक है, उल्टे अर्थ वाले शब्द। इसके बाद है हमारा गुण, कि किसी के अंदर कोई क्वालिटी है और उसका दोष। ठीक है, गुण का हम अवगुण भी कर सकते हैं। छोटा, बड़ा। जड़, चेतन। जीवन, मृत्यु। ठीक है, जन्म लेना, मर जाना। ठोस, तरल। ठीक है, कोई भी चीज ठोस है, जैसे ये चौक है ये ठोस है, और कोई चीज लिक्विड है वो तरल बना गई। ठीक है, दंड, क्षमा। देवता, राक्षस। क्लियर है आपको, यस। आगे हम करते हैं, जैसे धूप, छाया, न्याय, अन्याय, नवीन, प्राचीन। नवीन मतलब नया और प्राचीन मतलब पुराना। निडर जो ना डरे, और डरपोक जो डर जाता है। नया, नया पुराना। हार, हार का बोल क्या बनेगा, जीत। लेना, देना। उसके बाद है हमारा जैसे सुबह, शाम, सत्य, असत्य, सच, झूठ, स्वर्ग, नर्क, कायर, वीर, लाभ, हानि, और अंतिम है योग्य और
अयोग्य। प्रशंसा मतलब किसी की प्रेज करना, तो प्रशंसा निंदा। पवित्र अपवित्र, कोई चीज पवित्र है या कोई चीज अपवित्र है, अपवित्र का उसका अपोजिट हो गया। पाप, पाप का अपोजिट क्या होता है? पुण्य। मधुर, कोई मधुर वचन जैसे बोलता है और कोई कटु वचन बोलता है, तो मधुर का अपोजिट क्या बनेगा? कटु। ये आप सब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सब इसको कॉपी में लिखना है आप सबको ये, ठीक है? और ये सब लिख के आपने रखने हैं, जैसे ही स्कूल लगेंगे हम आपका ये चेक करेंगे, ठीक है? उसके बाद है हमारा मित्र मतलब दोस्त, और उसका अपोजिट क्या बनेगा? शत्रु। युद्ध शांति, रक्षक भक्षक, सज्जन दुर्जन। उसके बाद है पक्ष विपक्ष, कि वो हमारे पक्ष में है और दूसरे उसके विपक्ष में है, उनके अपोजिट है। खुशबू बदबू, स्तुति निंदा, सुगंध दुर्गंध, सजीव जिनके अंदर सांस होता है सजीव, और जिनके अंदर सांस नहीं होता निर्जीव। अर्थ अनर्थ, यश अपयश, मौखिक और लिखित, ये सब उनके अपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है? वरदान अभिशाप, हर्ष धीर, गुरु शिष्य, गुरु का हम लघु भी कर सकते हैं। सुपुत्र कुपुत्र, सुविचार इनके अच्छे विचार, और उसके अपोजिट क्या बन जाएगा? कुविचार इनके बुरे विचार। आजाद गुलाम, शो हर्ष, साक्षर निरक्षर, और सूक्ष्म स्थूल। उसके बाद जो हमारा अंतिम है पार्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मानव दानव, उत्थान पतन, मांसाहारी जो मांस खाने वाले हैं, और शाकाहारी उसके अपोजिट हो गए जो मांस को नहीं खाते। आयात, जैसे हम किसी अन्य देशों से कोई चीज लेते हैं उसको बोलते हैं आयात, और जो हमारे यहाँ से हम भेजते हैं उसको बोलते हैं निर्यात, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखने वाले होते हैं, और नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास ना रखते हैं। खरा खोटा, और महंगा सस्ता, ठीक है? इस प्रकार हमारे अपोजिट वर्ड्स यानी के जो विलोम शब्द है वो हमारे कंप्लीट होते हैं। आपने इन सब को कॉपी के ऊपर लिखना है और लर्न भी करना है, और साफ साफ हैंडराइटिंग में इसको लिखें ताकि आप की लिखाई भी अच्छी हो और आपको वर्ड मीनिंग सारे के सारे ये अपोजिट वर्ड्स याद हो जाए, ठीक है? तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।